स्पॉन्सर्ड बाय श्री नटराज ऑयल्स प्योर एडिबल ऑयल्स। 1993 सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट मामला। आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा उसके दो साथियों को लेकर आया चार्ज पर फैसला। अजमेर विशेष टाडा कोर्ट पहुंचा अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और उसके दो अन्य साथी कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर पहुंचे कोर्ट। टाडा कोर्ट ने सुनाया चार्ज का फैसला। 25 सितंबर को चार्ज पर बहस हो गई थी पूरी। नव भारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। देखिए 93 बम ब्लास्ट में आज इरफान और हमीदुद्दीन और अब्दुल करीम टुंडा को पेश किया गया, जिसपे हमीदुद्दीन और अब्दुल करीम टुंडा पे चार्ज बहस हुई थी। उस पर आज कोर्ट ने इन पर चार्ज लगाया। जो चार्ज लगाया गया है वो टाडा की धारा 3, 3, 3, 2, 5, 6 और 120 भी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4, विस्फोटक अधिनियम की धारा 9, 120 भी, 4 PDPP पब्लिक डैमेजेस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत की धारा 4 के तहत, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 के तहत, 302, 120 भी, 323, 324, 325, 326, 120 भी के तहत चार्ज लगाया गया। दोनों पर 436 IPC के तहत इन दोनों आरोपियों पर आज अदालत ने आरोप लगाए हैं और आगामी तारीख पेशी 25/10 नियत करी है। और उससे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आदेश किया है कि पहले वो लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करें, जो लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेंगे उसके बाद उन गवाहों की तस्वीर। 25/10 के पेशी शुरू हो जाएगी या 25/10 पे अगर पहले लिस्ट और विटनेस पेश होती है तो 25/10 को इसमें गवाही हो सकती है। ये आज कोर्ट ने अपने आदेश में